मैं रोज हूं उसकी क्लासमेट। देखो गुलाबजल, उसने मुझे साफ साफ बताया कि जब वो किताब पढ़ने बाल मंदिर जाता था ना, तब भी उसकी रोज नाम की कोई दोस्त नहीं थी। ओके, तो आपने भी मेरे जैसी इसकी भोली सूरत पे भरोसा रख दिया। उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए। इंजीनियरिंग पूरी होते ही हम दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। बोला बाबू से इजाजत लेके शादी करते हैं, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही उसने हमारा रिश्ता भी खत्म कर दिया। नाता न पता कितना ढूंढा 2-3 सालों से, लेकिन कभी नहीं मिला। सुन, तू लड़की है ये समझ के तू बोलती गई और मैं सहता गया, लेकिन अभी एक भी लफ्ज अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो। अरे ओ, कहां मर गई है? उठा ले, बच्चा रो रहा है, इसके रो का टाइम हो गया है। अरे तो उसे यहाँ ले आओ ना, दादाजी से बात करानी है। ए, कौन दादाजी? किसका दादाजी? आप दादाजी, और मैं आपकी बेटी की बेटी की माँ। आप ही का खून है। अरे हो ही नहीं सकता, मैं रख देता हूँ फोन, और तुम्हारे जैसे टेलीफोन के भूतों से मैं नहीं डरता हूँ। ओके, तो सबूत भेजती हूँ, कल कुरियर मिलेगा, देख लेना। कुरियर? मैं कल आपके बेटे से मिली थी शादी के लिए जोर देने, पैर पकड़ने लगा मेरा, बोला पैसा ले लो प्रॉपर्टी ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। रुक। एक बात सच सच बता मुझे, मेरी जानकारी के बाहर तुझे कोई बच्चा है? क्या बोला? बच्चा तू खा गीता की सौगंध? अब तक तो रोज थी, ये गीता कहां से आ गई? गीता? ये गीता, इस पे हाथ रख के बोल कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। ये कोई कोर्ट नहीं है, जो समझना है समझ, तू मुझे बता तुझे कोई बच्चा है? जनार्दन नाम का कोई बच्चा है तुझे? ये नया पैंतरा उस चुड़ैल ने फेंका है क्या? मेरे सवाल पे सवाल मत कर गौरव, मुझे जवाब दे इसका। तो जब वो बक रही थी उसकी गर्दन क्यों नहीं पकड़ी? मेरे सर पे हथौड़ा क्यों ठोक रहे हो? मैंने पूछा उसे गौरव, तो उसने मुझे बताया कि तूने उसे धोखे से बचा दिया है। और शक मुझे तब हुआ जब मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, बिल्कुल तेरे जैसी थी। जब तू छोटा था तब कैसे रोता था वैसी? अब बता सच है कि नहीं है? मेरी कुंडली देखी है कभी? हाँ, क्या उसमें लिखा है कि मैं किसी लड़की का खून करने वाला हूं? नहीं। अब देखना, मैं कुंडली बदलने वाला, जहर देके उसे आपके कदमों पे फेंकूंगा, और दम तोड़ने से पहले अगर उसने सच नहीं बोला तो मेरी नाक काट लेना।